नमस्कार दोस्तों, मैं सादिक आपका दोस्त आपके लिए आज एक नया टॉपिक लाया हूँ। नया एटीएम का पिन जनरेशन कैसे करते हैं आप लोगों को बताऊंगा, एकदम सिंपल प्रोसेस बताऊंगा, आसानी से आप नया एटीएम का पिन जनरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से एकदम लास्ट तक देखना है तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों नया एटीएम पिन जनरेशन के लिए आपको तीन चीज़ों की पहले आवश्यकता होगा, पहले हाथ में ले लेना होगा जिससे कि आप पिन जनरेशन करेंगे। तो पहला है आपका अकाउंट नंबर, जो पासबुक का नंबर है अकाउंट नंबर होता है वो अकाउंट नंबर ले लेना होगा। और दूसरा है आपका फ़ोन नंबर, इस पासबुक में रजिस्टर जो आपका बैंक अकाउंट बनाते समय जो रजिस्टर फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर चाहिए आपको, वो भी ले लेना होगा। दूसरा और तीसरा है आपका एटीएम कार्ड, ये तीनों चीज़ आपके हाथ में ले लेना होगा पिन जनरेशन के लिए। तो ये तीनों चीज़ें आपके हाथ में लेना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कैसे करते हैं मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा, एकदम आसान तरीका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं अपना SBI ATM में आया हूँ, जो कोई भी SBI ATM हो आप जा सकते हैं, मैं भी SBI ATM पे आया हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों आपको पहले अपने नया ATM को ATM में स्विफ्ट करना होगा, जैसे कि देखिए अंडर डालना होगा। अंडर डालने के बाद यहाँ पर ले लेगा, देखिए नहीं आएगा ले लेगा, फिर आपको यहाँ पर देखना फोकस ATM, देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको इंग्लिश पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 2-डिजिट नंबर, कोई भी दो नंबर दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने 25 दे दिया। फिर देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको क्या करना है पिन जनरेशन, पिन जनरेशन मेरा नया टीम है, पिन जनरेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर डालना होगा तुरंत, जैसे कि मैं अपना अकाउंट नंबर डालूंगा अभी यहाँ पे, देखिए देखिए मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया, फिर प्रेस कनेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए एंटर योर 10-डिजिट मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। देखिए मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ, और दोस्तों जो फोन नंबर रजिस्टर फोन नंबर है वही डालना होगा आपको। देखिए फोन नंबर डालने के बाद प्रेस कनेक्ट पे क्लिक करना है, प्रेस करेक्ट, फिर कॉन्फर्म पे आपको क्लिक करना है। अभी क्या होगा, वही फोन नंबर पे आपको SMS आएगा, आपका नया देखिए ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अभी क्या होगा मेरे दोस्त, आपको ध्यान रखना है आपका जो भी फोन है, देखिए अभी ये काम हो गया, पहले स्टेप हो गया। दोस्तों फोन नंबर तो मैंने डाल दिया था, फोन नंबर डालने के बाद क्या होगा, फिर अपना फोन में जो रजिस्टर फोन नंबर है वही फोन में एक कोड आएगा, टेम्पोरली पिन देगा आपको, पिन भेजेगा, उसी फोन ले लेना होगा, वही फिन जो फोन नंबर से रजिस्टर है वही फोन ले लेना होगा, वही उसी फोन में आपको एक SMS आएगा, उसमें आपको टेम्पोररी एक पिन कोड देगा। वहां से देखिए मुझे आया है वो पिन कोड, आपको भी आएगा। देखिए यहाँ पर अच्छे से ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 5686 ऐसा वर्ड का एक आएगा, और देखिए और वर्ड में आएगा, आपको जो वर्ड वाला है उसे ही आपको यहाँ पे ATM में फिर कनेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 9155 ये टेम्पोररी पिन कोड दिया है ऑफिशियली वहाँ से स्टेट बैंक से, तो आपको इसे कैसे कनेक्ट करना है वो अच्छे से देखना है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना है तो ही अच्छे से मालूम होगा मेरे दोस्त। अभी क्या करना है, यही कोड कैसे कनेक्ट करते हैं ध्यान से देखिए, फिर से आपका ATM पे स्विप करना होगा, ATM को जो नया ATM है फिर से आपको स्विप करना है। देखिए फिर से ले लेगा, पहले जैसा ही प्रोसेस, पहले जैसा आया था वैसा ही सेम टू सेम प्रोसेस होगा। देखिए मेरे दोस्त अच्छे से ध्यान से देखिए, इंग्लिश आएगा, फिर से इंग्लिश पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे 2-डिजिट नंबर कोई भी नंबर दे सकते हैं, जैसे कि 2 नंबर मैंने दे दिया, यस पे क्लिक करना है, फिर पिन जनरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए एंटर योर पिन, यहाँ पे देखिए पिन जनरेशन पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे जो नया पिन आया है देखिए 9 जो वर्ड में आया है मेरे SMS में वो डालना है आपको, वर्ड में आएगा, जैसे कि मेरा है 9155, देखिए ये नंबर डाल दिया, फिर ऐसा इंटरफेस आएगा, देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, फिर आपको यहाँ पे देखिए बैंकिंग पे आपको क्लिक करना है, देखिए बैंकिंग पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा, देखिए बैंकिंग के क्लिक करने पर ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है पिन चेंज, इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि जो टेम्पोररी पिन दिया है आपका परमानेंट पिन आपको खुद देना होगा। पिन चेंज पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको परमानेंट आपका जो मनपसंद पिन हो वो दे देना होगा, जैसे कि मैं एक अपना पिन दे देता हूँ, आपको भी अपना कोई पिन दे देना होगा, जैसे कि मैं देता हूँ,
दोस्तों मैंने एक बार डाल दिया है पिन, फिर से डालना होगा। दोस्तों दो बार डालना होता है। देखिए मैंने पिन डाल दिया है, अभी देखिए ये देखिए ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त। देखिए हो गया, ऐसे ही आप पिन जनरेशन कर सकते हैं। आपका नया पिन, पहले टेम्पोररी पिन आएगा वही डालने से फिर आपको नया पिन डालने को, देखिए फिर बैंकिंग पे जाना है। बैंकिंग बैंकिंग के जाने के बाद आपको फिर जैसे जैसे मैंने बोला है पिन चेंज पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको नया पिन डाल के आपको कंप्लीट करना है। जो परमानेंट आपका पिन है, आपका मनपसंद आपका जो भी पिन हो वो आपको डाल के कंप्लीट कर देना है। ऐसे ही आसानी से आप पिन जनरेशन कर सकते हैं। और दोस्तों आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप फिर से ट्राई कर से कभी कभी प्रॉब्लम होता है लेकिन आपको फिर से ट्राई करना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप भी यूज कीजिए, आसानी से ऐसे पिन जनरेशन कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगा ऐसे ही मजेदार वीडियो पे। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।